नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया, मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994 के बारे में, अर्थात गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के बारे में। इससे संबंधित हम एक कक्षा पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात भाग एक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इससे संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ी थी, अर्थात ये एक्ट कब लागू हुआ, कब इसमें संशोधन हुआ, कितनी इसमें धाराएं हैं, कितने इसमें भाग हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या आज हम पढ़ने वाले हैं, अर्थात इस एक्ट से संबंधित जो भी सवाल हमारे एग्ज़ाम में बनने वाले हैं और कौन कौन सी धाराएं हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, तो उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। धारा 1 से लेकर 34 तक हम कंप्लीट इसकी बात करेंगे साथियों। तो चलिए टू द पॉइंट, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी धाराएं और जो भी सवाल महत्वपूर्ण हैं उन सभी को कवर करते हुए बात करते हैं। धारा एक, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। प्रारंभ का अर्थ है ये एक्ट कब लागू हुआ। संक्षिप्त नाम देखिए पूरा यही है, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। तो आप इसको यहां लिख लीजिएगा, मैं सीधा इसको चलिए मैं ही भी लिख देता हूं, आपको याद भी रखना है पूरा का पूरा इसका, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994, आप ये वाला लिख लेना यहां पर। चलिए विस्तार, हम बात करें संपूर्ण भारत, ठीक है, वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। प्रारंभ या लागू, भाई ये कब लागू हुआ, तो आप सभी को ये बात पता है, हम पढ़ चुके हैं 1 जनवरी 1996 को ये अधिनियम जो है लागू होता है। 1994 में अधिनियम बनता है और ये अधिनियम 1 जनवरी 1996 को लागू होता है साथियों। इसी के साथ इसी में हम बात करें धारा दो, परिभाषाएं क्या है साथियों, परिभाषाएं। अब देखो इसमें होने को तो वैसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सी जगह बोर्ड आएगा, तो बोर्ड का अर्थ होगा केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, ठीक है, और संहिता तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें इसके अंदर विशेष रूप से कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए एक तो होता है भ्रूण और एक होता है गर्भ, ठीक है। अब यहां सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 56 दिन तक गर्भाशय के अंदर जो भी हम बात करें विषय वस्तु होती है, एक तरीके से जो वस्तु हम कहें, जो गर्भ हम कह सकते हैं, उसको हम भ्रूण के तौर पर जानते हैं, यानी कि गर्भाशय के अंदर यदि कोई भी बेबी होता है तो वो बेबी प्रारंभ के 56 दिन तक कोई भी मानव जीव, आप इसको वही कह सकते हैं, यदि ये 56 दिन तक रहता है तो 56 दिन तक ये भ्रूण की परिभाषा में आएगा, और जैसे ही 57वां दिन शुरू हो जाएगा तो 57 से दिन से लेकर बाद में जन्म तक ये किसकी किसकी परिभाषा के अंदर आएगा, गर्भ की परिभाषा के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर इस प्रकार की डेफिनेशंस दे रखी हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हम कहें मुख्य रूप से नहीं पूछे जाने योग्य हैं, वहाँ पर हमसे इस प्रकार के जो है सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हमारे सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक्ट कब लागू हुआ, सभी एक्ट आप याद रखिए, यही नहीं सभी एक्टों के बारे में ये सवाल बनता है और प्रत्येक एक्ट के बारे में ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में किसी भी एक्ट का जो है हम बात करें वो कब बना था, ठीक है, और कब लागू हुआ था।
अब चलिए यहां से धारा एक और दो में से तो ये दो चीजें जो थी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे धारा तीन की। यहां से काफी विस्तृत जो है धाराएं शुरू होने वाली हैं, तो चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। धारा तीन प्रावधान करती है अनुवांशिकी सलाह केंद्रों, अनुवांशिकी प्रयोगशालाओं, अनुवांशिकी क्लिनिकों का विनियमन। ठीक है, विनियमन। देखिए इसके अंदर तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, तीनों ही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए समझिएगा, हालांकि धारा तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा जो सवाल बनेगा सीधा वो यही बनेगा, अनुवांशिकी सलाह केंद्रों, अनुवांशिकी प्रयोगशालाओं और अनुवांशिक क्लिनिकों का विनियमन करने का प्रावधान हम कहें PCPNDT एक्ट की कौन सी धारा में किया गया है, तो धारा तीन में ये प्रावधान किया गया। वो सीधा पूछ लेगा अनुवांशिकी सलाह केंद्रों का विनियमन, बस आगे की दो चीजें नहीं पूछे, कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी एक चीज को उसके साथ जोड़कर पूछ सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी के अंदर जो है तीन पॉइंट हैं उससे सबसे पहला पॉइंट है, जब तक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, कौन? अनुवांशिकी सलाह केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला और अनुवांशिकी क्लिनिकों। जब जब मैं बात करूंगा इन्हीं तीनों के बारे में ही हम इसके अंदर इस धारा के अंदर बात करने वाले हैं, यानी कि जब तक ये रजिस्ट्रीकृत नहीं होंगी तब तक प्रसवपूर्ण निदान तकनीकों से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप यानी कि कोई भी कार्य नहीं करेंगे, यानी कि इन तीनों के अंदर इस प्रकार का कोई भी काम जो है संपन्न नहीं होगा। किस संबंधित? प्रसवपूर्ण निदान तकनीकों से संबंधित नहीं होगा, सहबत या सहायक भी नहीं होगा। यानी कि अब देखो, सहबत यानी कि किसी के साथ संयुक्त रूप से कार्य करना, ठीक है, सहायक किसी का असिस्टेंट बन के काम करना, ठीक है, सहबत का मतलब होता है पार्टनरशिप में, यहां बात होगी पार्टनरशिप में, यहां होगा असिस्टेंट बन के। हम बात करें सहायक के रूप में, तो आपको एक बात यहां पर याद रखनी है, समझाने के तौर पे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, अब हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो गया कि भाई ये हॉस्पिटल यहां पर है मुख्य रूप से। अब अगर उसका वो कहता है मेरी ब्रांच वहां है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी अलग से होना चाहिए, यानी कि वो सहायक के रूप में सहबत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, ये एक कोई कंपनी है और इस कंपनी के मान लीजिए यहां पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, मान लीजिए एक जयपुर में है, एक कोटा में है और एक जोधपुर में है। अब इन्होंने कह दिया कि साहब हमारा रजिस्ट्रेशन इन्होंने करा लिया कंपनी के नाम से कि हमारे हॉस्पिटल अस्पतालों की कंपनी है, लेकिन इनका जब भी ये हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसका एक नया रजिस्ट्रेशन होगा प्रत्येक हॉस्पिटल का। ये नहीं कह सकते कि साहब ये जयपुर वाले से सहबद है या ये कोटा वाले की जो सहायता कर रहा है, नहीं, प्रत्येक हॉस्पिटल का भले ही जयपुर में ही इनकी पांच ब्रांच हो तो पांचों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अर्थात जहां पे जो स्थान निश्चित किया गया है, तय किया गया है, ठीक है, वही स्थान होगा और वही हॉस्पिटल होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, वहां पर प्रसव पूर्व निदान तकनीकों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ना वो सहबद्ध होंगे और ना ही वो सहायक होंगे। चलिए, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा जिसके पास विहित की गई योग्यताएं नहीं हो, विहित की गई योग्यताएं नहीं हो या अर्हताएं, अर्हताओं को क्या कहते हैं, योग्यताएं, ठीक है, न हो। अर्थात अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए सोनोग्राफी करने के लिए सोनोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, अब ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठा दिया जाए जिसको सोनोलॉजिस्ट का ज्ञान नहीं है या उसके पास इसके संबंध में कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की ये जो है अनुवांशिकी सलाह केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएं, अनुवांशिक क्लिनिक सेवाएं नहीं ले सकते जिसके पास संबंधित कार्य करने से संबंध में डिग्री न हो। चलिए, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न, देखो रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न मैंने क्या कहा, अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि जिस स्थान का रजिस्ट्रेशन है उसी स्थान पर उस हॉस्पिटल का वही प्रसवपूर्ण निदान तकनीक संपन्न हो सकती है, उसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर नहीं होगी। तो देखिए, स्थान से भिन्न, किसी स्थान पर कोई प्रसवपूर्व निदान तकनीक स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उपयोग नहीं करेगा,
नहीं कराएगा और उसके उपयोग में सहायता भी नहीं करेगा। तो बात वही आ गई, यहाँ देख लीजिए कि इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान यानी कि जो प्लेस फिक्स किया गया है जहाँ के संबंध में रजिस्ट्रेशन जारी हुआ है, उसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर जो डिग्रीधारी व्यक्ति है वो भी इस प्रकार का कोई प्रसवपूर्व निदान तकनीक नहीं कर सकता और वो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी इस प्रकार का कोई कार्य उपयोग में नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो डॉक्टर सो के देंगे कि भाई मैं तो जो है उस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मुझे ये राइट है, जी नहीं, केवल आप उस हॉस्पिटल में ही इस प्रकार की प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के संबंध में कार्य कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त आप दूसरे स्थान पर नहीं कर सकते जब तक कि वो स्थान इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत ना हो। तो साथियों, उम्मीद करता हूं धारा 3 से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 3 कै की, यानी कि हमने इससे पहले धारा 3 की बात करी, अब हम 3 कै की बात करेंगे। देखियो साथियों, इंग्लिश में आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ये दोनों ही सही है। हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से और इंग्लिश में लिखेंगे तो इस प्रकार से, तो वहां 3 कै हो या 3 ए हो, बात एक ही है। चलिए अब हम बात करते हैं लिंग चयन पर प्रतिषेध, यानी कि किसी भी भ्रूण का या हम कहें गर्भ में जो भी जीव है, जो मानव जीव है, उसका लिंग क्या है ये पता करना कानून अपराध है, पहली बात तो। लेकिन इसी एक्ट में इसे प्रतिषेध किया गया था। तो चलिए आगे हम बात करते हैं किसी स्त्री या किसी पुरुष या दोनों से लिए गए। देखो क्या होता है कि हमें क्या होता है, जब भी लिंग चयन करना होता है तो हमें उस महिला और पुरुष से संबंधित जो होते हैं कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है या उन पे हमें कुछ टेस्ट करना होता है, तभी हम मालूम कर सकते हैं कि गर्भ में जो है बालिका है या बालक है। इसलिए यहाँ पर इस एक्ट में सारी चीज़ों को शामिल किया गया। देखिए किसी भी स्त्री या किसी पुरुष या दोनों से लिए गए किसी टिश्यू, देखो टिश्यू से मालूम क्या सकता है, भ्रूण से, गर्भ उत्पाद से, तरल या गैमेट, या स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति से लिंग चयन नहीं करवाएगा। ठीक है, किस पर, गैमेट पर, स्वयं यानी कि जो भी व्यक्ति डॉक्टर प्राधिकृत है या उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति लिंग चयन नहीं करवाएगा। ठीक है, क्या है धारा 3, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, धारा 3 के का संबंध किससे है, लिंग चयन पर प्रतिषेध। चलिए अगली हम बात करते हैं धारा 3 ख, और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे साथियों, हम लिखेंगे 3B 3B। चलिए ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि का जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि का जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रास्रव्य मशीनों के विक्रय पर प्रतिषेध। प्रास्रव्य मशीनें यानी कि जो भी हम बात करें सोनोग्राफी से संबंधित हैं, उस प्रकार के जो उपकरण हैं वो, देखो प्रास्रव्य मशीन, इमेजिंग मशीन, स्कैनर हो गया, भ्रूण लिंग का पता लगाने के लिए सक्षम किसी भी अन्य उपस्कर, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई मशीन आ जाए, ऐसा कोई उपस्कर मतलब उपकरण, ऐसा कोई उपकरण आ जाए कि जिसके हम कहें सोनोग्राफी की मशीन, इमेजिंग स्कैनर की आवश्यकता ही नहीं हो और उसके द्वारा डायरेक्ट पता किया जा सकता हो। तो ऐसी कोई भी उपकरण जो भ्रूण लिंग का हम बात करें जिससे पता चलता हो, तो उसका विक्रय जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं है, जो संस्था रजिस्ट्रीकृत नहीं है, जो प्रयोगशाला रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उन्हें इस एक्ट के अधीन उन्हें ये चीज नहीं दी जाएगी साथियों, उन्हें ये विक्रय नहीं की जाएगी, उनको ये चीज नहीं बेची जाएगी साथियों। ठीक है, तो चलिए अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों आगे की धाराओं को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, और यदि आपको हमारा अध्ययन कंटेंट सामग्री आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।